गोल मोलू, कैसे हो आप? मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारी और मजेदार कहानी। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है गाय की चोरी। सौदतपुर नाम के गांव में एक गोपाल नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत ही मेहनती और कर्मठ था। सुबह से लेकर शाम तक वह गाय और भैंसों की सेवा में लगा रहता था। इसी वजह से गांव के सभी लोग उसे जानते थे। वह हर दिन अपनी भैंस और गाय को चराने के लिए जंगल लेकर जाता था। दूध, दही और घी बेचकर वह अपने घर का गुजारा कर रहा था। वह अक्सर जंगल में अपनी गाय भैंसों को चराता हुआ छोड़कर सो जाता। फिर उसने एक दिन पेंट जाकर एक नई गाय खरीदने का सोचा और उस नई गाय के आ जाने से उसके घर में खुशियां आने लगी और उसके बाद घर में बहुत खुशहाली और धन दौलत आने लगी। गोपाल ने उस गाय को ले जाकर अपने तबेले में बांध दिया। गांव में एक अफवाह भी फैल गई थी कि उस गाय के आने से और उसका दूध पीने से वह बहुत ही खुश और धनवान बन गया है। वही ये बात हीरा लाल को भी पता चल गई थी। हरिलाल, जो बहुत ही चतुर और चालाक था, उसने ये बात अपने दोस्त तहलका को बताई, जो हर काम में हरिलाल का साथ देता था। तहलका दिल से अच्छा पर दिमाग से थोड़ा कच्चा था। उसके बाद किसी न किसी बहाने से हर दिन हरिलाल गोपाल से मिलने जाना, उससे बातचीत करना और वह घुमा फिरा कर उस गाय के बारे में पूछता रहता था। आते जाते उसकी नजर हमेशा से ही गाय पर लगी रहती थी। एक सुबह जब किसी काम से गोपाल बाहर जाता है, तब मौका पाकर हरिलाल और उसका दोस्त तहलका उस गाय को चुराने के इरादे से आते हैं। और ताकि उन्हें कोई देख ना सके, इसलिए हरिलाल बाहर दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसका दोस्त तहलका पीछे से झाड़ियों में होते हुए उस तबेले में घुस जाता है। पर वह किसी दूसरी गाय को गलती से नई वाली गाय समझकर अपने साथ चुरा कर ले जाता है। वह उस गाय को जंगल में लेकर जाता है, जहां हरिलाल उसका पहले से इंतजार कर रहा था। जब हरिलाल देखता है तहलका दूसरी गाय चुरा लाया है, तब वह गुस्से में लाल हो जाता है और वह तहलका पर चिल्लाने लगता है। वापस आकर वह अपनी नई गाय को देखने के लिए तबेले में आता है, पर वह नई गाय वहां नहीं होती। वह अपनी नई गाय के वहां ना होने पर थोड़ा परेशान हो जाता है। बाद में उसको याद आता है, कई दिनों से हरिलाल बार बार उस गाय के बारे में उससे बात कर रहा था और तबेले में ताका झांकी भी कर रहा। तब गोपाल को उस पर शक होता है और वह उसकी शिकायत सरपंच जी से जाकर कर देता है। उसके बाद सरपंच जी हीरा लाल को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजते हैं। ओडियो जंगल।
वह आदमी जाकर दोनों हरिलाल और तहलका को इसकी खबर देता है। हरिलाल और उसका दोस्त तहलका दोनों पंचायत में आते हैं और वे दोनों सरपंच के कहने पर गोपाल से माफी मांगते हैं। हरिलाल कहता है, जब से वह गाय तुमने खरीदी है तुम्हारे घर में कितनी खुशियां, अमन चैन और पैसे भी आ रहे हैं, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसका दूध पीने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, पर इस तहलके के बच्चे ने गलती से तुम्हारी दूसरी गाय को चुरा लिया। उसके बाद तहलका गाय को लेने के लिए जाता है। फिर तहलका उस चुराई हुई गाय को लेकर आता है और गोपाल कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरी एक नहीं बल्कि दो गायों को चुराया है, चुपचाप मेरी गायों को वापस लौटा दो। पर हरिलाल कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हारी एक गाय को ही चुराया था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल का छोटा भाई चंदन नई गाय धेनु को शहर से वापस लेकर आता है। चंदन उस गाय को लेकर वहां पहुंच जाता है और वह बताता है कि आपके जाने के बाद नई गाय धेनु बीमार पड़ गई थी, उसी का इलाज कराने के लिए मैं उसे शहर ले गया था, अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। इसके बाद गोपाल को सारी बात समझ आ जाती। गोपाल हरिलाल से कहता है कि मेरे घर से उस गाय के आने से खुशियों का आना, पैसे आना, ये सब एक इत्तेफाक की बात है, तुम्हें ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई भी चीज शुभ अशुभ नहीं होती, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। चलो छोड़ो, अब हम घर चलते हैं।